नमस्कार, ये ड्रिप इरिगेशन ट्रायल है सोयाबीन के अंदर। हमने ये लास्ट ईयर स्टार्ट किए थे। ये हमने इधर हमने सात छः वैरायटी हमने इधर ट्रायल में लिया हुआ है। सारे जो छः वैरायटी हमने लिया हुआ है वो ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के है, ऐसे लगभग 100 के ऊपर है सारे। ये ड्रिप इरिगेशन का ट्रायल लेने का ये मकसद है कि जब वो बुआई करने के बाद जब सूखा पड़ जाता है तब वो प्लांट का जो सूखे के कारण से उसका हाइट वगैरह और कम हो जाता तो और यील्ड में भी जो यील्ड है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए उसको रुकने के लिए जब लाइफ सेविंग इरिगेशन जब ज़रूरत पड़ता है तो वो ड्रिप के अंतर्गत हमने इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे ये अभी इस साल इसको हमने बोया किया था जून पंद्रह को, लेकिन जून 15 के बाद क्या हुआ, बुआई करने के एक हफ्ते के बाद पूरा सूखा, एक महीने तक सूखा पड़ गया था। तब हमने इसके अंदर हमने दो बार ड्रिप के अंतर्गत हमने पानी दिया हुआ है। तो आप दे सकते हैं, आप ये किस्मों को अपने आप दे सकते हैं। इसको ड्रिप को कैसे किए हमने कि रिजिसन परो मेथड हमने बनाया है इसमें। तो रिजिसन परो मेथड बनाने के बाद हमने डिबलिंग किया हुआ है सिंगल सीड से या दो सीड एक डिबल करते हुए उसका जो पौधे से पौधे के अंतर जो है वो 30 सेंटीमीटर है और एक कतारी से दूसरे कतारी का अंतर जो है वो भी 30 सेंटीमीटर है। आप दे सकते हैं क्योंकि इधर एक प्लांट से एक जो है वो 30 सेंटीमीटर हमने रखा हुआ है और जो एक कतारी से दूसरे कतारी से का भी हमने आप देख सकते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है। तो ऐसे करने और सिमिलर जो भी हमने यहाँ किस्में इस ड्रिप के अंदर हमने ट्रायल किए हुए हैं सेम जो किस्में जो है हमें उधर जो बिना ड्रिप वाले मतलब रेनपड के अंदर हमने वो किया हुआ है वो भी वो उसके और इसके कंपैरिजन किया तो ये बेहतर, उसका हाइट भी बेहतर है और ड्राई मटर भी हमने एनालिस किया तो इसका ड्राई मटर भी अच्छा है हुआ है कंपेयर टू वो जो रेनपड के अंदर जो है उस किस्में से।